बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक मैनेजमेंट विद प्रॉफिट एंड लॉस एंड सेल परचेज रिकॉर्ड, ये सभी किस तरह मेंटेन होगा एक फॉर्मेट में, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, न्यू एक्सेल ब्लैंक वर्कबुक क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी डाटा हेडिंग जो होंगी मेन वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मर्ज एंड सेंटर, जितने कॉलम में हमें काम करना है उस हिसाब से सिलेक्शन बनाएंगे। मर्ज एंड सेंटर तकरीबन 11 कॉलम जो है उसमें काम करना है, तो मैं यहाँ से इतना सिलेक्ट कर रहा हूँ और डाउन जहाँ तक एंट्री करनी है वहाँ तक सिलेक्ट। पहले तो यहाँ बॉर्डर कर लेते हैं और बॉर्डर के बाद रो की हाइट, और यहाँ से ये जो दो रो आ रही है इनको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर आ जाएगी स्टॉक मैनेजमेंट और यहां से इंटर बोल्ड और यहां से रॉ और यहां से कलर जो है वो वाइट, और इसके साथ नेक्स्ट जो होगी वो यहां से इसको सिलेक्ट करा हमने और यहाँ एडिंग आ जाएगी सेल परचेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी सिलेक्ट करेंगे अलाइन सेंटर और यहाँ से बोल्ड ऑल सिलेक्ट, व्यू में जूम टू सिलेक्शन। सबसे पहले डेटा एंट्री यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फुली फॉर्मेटिंग के साथ काम करेंगे। तो यहाँ की स्टार्ट की जो दो हेडिंग है इसको मैं मर्ज कर रहा हूँ, इसको भी मर्ज कर रहा हूँ और इसके लिए थोड़ा कॉलम में बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि आइटम होंगे तो आइटम के नाम बड़े भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा आइटम और यहाँ पर आ जाएगा आपका सीरियल, और इसके साथ जो ये वाला सेक्शन है इसको मैं सिलेक्ट करके कर रहा हूँ मर्ज। ये आ जाएगी हमारी परचेज और यहाँ पर इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएंगे हमारी सेल्स और यहाँ पर इन दो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक और लास्ट हेडिंग को बड़ा कर रहा हूँ मैं यहाँ से सिलेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, ऑल हेडिंग यहाँ पे सिलेक्ट और यहाँ से मर्ज, फ़ॉन्ट को बड़ा कर लिया मैंने और यहाँ से बोल्ड करना है तो फ़ॉन्ट को बोल्ड कर लें, यहाँ से परचेज सेक्शन और यहाँ से सिलेक्ट। ठीक है जी, और बाकी ये हेडिंग्स आ जाएंगी, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से मोर कलर, मोर कलर में ये वाला कलर मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ और इधर भी यही वाली हेडिंग का कलर कर लेते हैं। ठीक है जी, इधर आ जाएगी अब आपकी क्वांटिटी प्राइस और अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट ये परचेज के आ जाएंगे कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट, ये सेल्स के आ जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर आ जाएगी हेडिंग कॉपी क्वांटिटी सिर्फ और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ अमाउंट। डेटा एंट्री स्टार्ट करनी है, वन लिखेंगे, वन के बाद सेल पे आएंगे कंट्रोल दबा के नीचे क्लिक, जहाँ तक आपको एंट्री करनी है यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे लाइन सेंटर कर लेंगे आइटम में। ठीक है जी, अब क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ पे मैंने नाम लिख लिए हैं ताकि टाइम सेव हो हमारा, माउस एलसीडी हार्ड ड्राइव यूएसबी, अभी जितनी जितनी क्वांटिटी में है हमारे पास वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद इनकी प्राइस लिख लेंगे, कीबोर्ड 200, माउस 200 कर लेंगे, एलसीडी 5000, हार्ड ड्राइव जो है 2500, यूएसबी जो है 2000, पावर सप्लाई जो है
5000, और पावर कोड जो है वो 150, यूएसबी जो है वो 1400 20। अब यही फॉर्मेट जो है मैं आगे भी अप्लाई कर लेता हूँ पूरे फॉर्मेट पे इस तरह से, और अमाउंट में आएंगे इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ड्रैग करेंगे इसको, और उसके बाद सेल क्वांटिटी, ये 8 करी, ये 5 करी, ये 10 करी, और ये 30 सेल हो गई हमारे पास 16 GB में, ये 2 सेल हो गई पावर सप्लाई, 2 सेल हो गई, 1 सेल हुई, और 16 GB में 10 USB सेल। अब ज़ाहिर है परचेज जितने की करिए प्राइस थोड़े बढ़ा के लिखेंगे सेल में, 200 की खरीदी 250 की सेल, 300 की सेल 5000 की ली 5400, 2600, 2000 की थी 1800 बल्कि 2100, 5000 की थी 6000 पावर सप्लाई सेल 180, और यहाँ पर 14000 की थी तो यहाँ पे हमने 1500। ये हमारी सेल्स कैटेगरी बन गई। सेल कैटेगरी में आ जाएंगे इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी, एंटर, सेल पर आएंगे, एंड में कर्सर को ले आएंगे और ड्रैग। अब उसके बाद क्वांटिटी जो रिमेनिंग रह गई है क्लोजिंग में वो देखनी है, तो हम परचेज को माइनस कर देंगे फर्स्ट सेल और माइनस कर देंगे क्वांटिटी फर्स्ट, तो 2 हमारे पास रिमेनिंग रह गई, ड्रैग कर लेंगे, ये सब रिमेनिंग रह गई हमारी। अमाउंट के लिए इक्वल जो क्लोजिंग में हमारे पास जितने की अमाउंट की है बाकी वो देखना है, तो हम परचेज अमाउंट को प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, तो जो बचेगी इस क्लोजिंग स्टॉक में उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400 की, ये बची है अभी हमारे पास, ठीक है जी। जब परचेज थी तो 200 की परचेज की, 10 थी 2000 की थी अवेलेबल स्टॉक में, अब हमारे पास क्लोजिंग में चेक करा हमने तो 2 रह गई हैं, और उसके बाद अमाउंट में हमने मल्टीप्लाई करा दिया प्राइस से, तो 400 अमाउंट की अभी अवेलेबल है। इंटर के बाद सेल पर ड्रैग करेंगे, तो जितने जितने की जो जो अभी अवेलेबल होगी हमारे पास स्टॉक में उसके अमाउंट आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए फर्स्ट सेल में आएंगे, स्टॉप क्लोजिंग का अमाउंट प्लस अमाउंट सेल्स का, और माइनस कर देंगे परचेस, ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। 200 की थी 250, 8 सेल हुई तो 50 रुपीज़ के हिसाब से रेट को मल्टीप्लाई करेंगे 400, नीचे ट्रैक करके एक और दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 सेल हुई 300 की, 250 की थी 50, और 55 और 20 250, बिल्कुल सही है। एंड तक अब जहाँ तक आपकी एंट्री होगी डेटा वहाँ तक आप इसको ट्रैक कर लें, तो सबका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा स्टॉक वो आ जाएगा आपके पास। अब रीऑर्डर करना है लेवल, अगर 5 से नीचे है डाउन तो यहाँ कलर रेड हो जाए तो स्टॉक में जाएं, हाईलाइट में जाएं, ऑल कॉलम सेलेक्ट करके हाईलाइट में जाके लेस देन यहाँ कर दें 5, और कलर जो भी आपको सही लग रहा है उस हिसाब से आप कलर को सेट कर लें यहाँ से, तो इस तरह से कलर से हाईलाइट हो जाएंगी। अब हेडिंग का कलर जो है वो चेंज करना है, यहाँ से कलर कर लें अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लग रहा है। स्टॉक मैनेजमेंट हेडिंग का कलर भी जो है वो फिल हमने लाइट रखा है, टैक्स भी लाइट हो गया तो वाजे नहीं हो रहा, इसका कलर चेंज करना है, यहाँ से आप फोन का कलर चेंज कर लें। तो फाइनली इसका फुल फॉर्मेट के साथ कंट्रोल ओके कर दिया हमने हेडिंग वगैरह, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट स्टॉक के हवाले से और सेल परचेस के अलावे से और भी टॉपिक मैंने पहले अपलोड किए हैं, लेकिन कौन सा किसके लिए हेल्पफुल रहेगा, थोड़ी बहुत सब में चेंजेस होती है और उस हिसाब से जो फाइनल होगा वो आप अपने लिए रख सकते हैं, और इसमें कुछ चीज़ें चेंज थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। कंप्लीट फॉर्मेटिंग वगैरह किस तरह से बनेगी, जो बिगनर होंगे और जो उनको ऑलरेडी आता है तो उनको भी इसमें कुछ ना सीखने को मिला होगा, एक आइडिया जो होता है बनाने का, बाकी आप अपने हिसाब से और उसमें रद्द बदल करके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, रिकॉर्ड और बेहतर करके उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इतना तो कम अज़ कम आपको वीडियो देखने से अंदाज़ा हो जाता होगा कि प्रैक्टिस करके इसको और अच्छा बेहतर किस तरह से किया जा सकता है, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया इसी तरह से अब आपको भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भी करने,
जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।